स इज द फर्स्ट प्रियोरिटी फॉर मी इन थ्रू आउट माई सी एस एस जर्नी तो यूनिकनेस क्या चीज होती है सबसे पहले आप टाइटल पढ़े इंग्लिश इंग्लिश एस ए इट मीन इफ यू स्प्लिट द बोथ वर्ड्स इंग्लिश को पहले कर लें और ऐसे को बाद में कर ले English इसका पहले. क्या मतलब है इसका ये मतलब है जी आप की आपकी पहले क्या चेक की जाती है आपकी पहले चेक की जाती है इंग्लिश अब मैं इस पे आता हूं इंग्लिश कैसे चेक की जाती है पहले एस की बात कर लेते हैं तो आगे आते हैं एस एस में स्टूडेंट्स ये होते हैं कि आपका डाटा चेक किया जाता है और आपकी रेलिवेंसी चेक की जाती है कि आप कितना रेलिवेंट जा रहे हैं अब इंग्लिश की तरफ मैं मूव करता हूँ क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस 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 एज वेल तो इंग्लिश में क्या चीजें आ जाती हैं इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि कैसे आपने स्ट्रक्चराइज किया सेंटेंसेस को इंग्लिश में उसकी कम्पोजिशन आ जाती है आपने कैसे कंपोज किया है इंग्लिश के अंदर आपका एक्सप्रेशन आ जाता है कि हाउ डू यू एक्सप्रेस योर आइडियाज और जब आप आइडियाफर होता है इन इट सेल्प जो आप फिलोसफर होते हैं आपके पास प्लेंटी ऑफ आइडियाज होते हैं यू स्टडी प्लेंटी ऑफ बुक्स तो आप उसको बसला आता है उसको कहाँ पर रिप्लेस करना है उन आइडियाज को किस पर्टिकुलर जगह पे जो सूटेबल भी हो तो आप क्या करते हैं तो आप उस पर सीखते हैं कि आपने रिप्लेसमेंट कैसे करनी है तो इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्ट्रक्चर आपका एक्सप्रेशन आपकी रिप्लेसमेंट और आपकी ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्या होती है ट्रांजिशन एक ब्रिज बनाती है ब्रिज क्या होता है फॉर एग्जाम्पल हमें एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जाना है तो दरमियान में गैरी खाई है या समंदर है तो एक ब्रिज बनाई होती है गवर्नमेंट ने ताकि उनको फायदा हो ट्रेवलर को कि आसानी हो वो एक एरिया एक एरिया से दूसरे एरिया जा सके इसी तरह सर पैराग्राफ्स होते हैं जो अगर आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए ट्रांजिशन करनी चाहिए जो आपको सिविल अकेडमी के अंदर आपको सिखाई जाएगी तो इसमें इंग्लिश मैटर करती है ऐसे के अंदर क्योंकि जो चेकर होता है सर वो इंग्लिश का बैठा होता है उसको इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता कि कि आपने क्या लिखा है अगर क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आता है तो इंग्लिश टीचर बैठा होगा वो देखा जी उसको क्लाइमेट चेंज के फैक्ट्स एंड फिगर्स का इतना इल्म नहीं होगा वो अपना देख रहा होगा ग्रामेट ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन एंड एक्सप्रेशन तो ये चीज़ एफ आपसे डिमांड करता है तो ये सब इंग्लिश ऐसे के बारे में था